CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला कविता मंजरी। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल प्रसाद व्यास की ये कविता खूनी हस्ताक्षर। मित्रों, ये कविता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आह्वान पर आधारित है जब उनकी एक आवाज पर देश के युवक अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तत्पर हो गए थे। तो आइए सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति। खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। पुथल सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं।
नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। अपना रक्त गिराते थे। खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा तरण वीरों ने उसे अपना इतिहास नया, इतिहास नया, इतिहास नया। मित्रों, कविता के इस गायन को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने, गाने या गुनगुनाने की भावना अवश्य जगी होगी। तो क्यों ना आप भी देशभक्ति पर कोई छोटी सी प्यारी सी कविता लिखें और उसे गाएं और गुनगुनाएं। खूनी हस्ताक्षर, अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल प्रसाद व्यास की इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति। विषय संयोजन रविंद्र कुमार, ध्वनि अंकन बटीलैंग लिंडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, ध्वनि संपादन निर्देशन तथा निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।